तो इसको लेकर हम पहुंचे वहां पे मंदिर पे। अब आचे से लेकर पहुंचे से तो 9 तारीख के लिए शादी का डेट फिक्स हो गया था। रात गई बात गई, एक तरह से भाभी मानते तो बता दो 80 हाथ शादी का जोड़ा लिए थे। रोने लगी थी रास्ते में आते, हमको बनारस भेज दिया गया। 80 घाट बनारस के घूमे, फिर रात को हम लोग यहाँ पे स्टे किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी जोड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग का शादी कैसे हुआ था, जब हम लोग थाने से निकले उसके बाद से हम लोग का शादी के लिए क्या क्या किया गया और कैसे हुआ, और जब तक हम लोग मुंबई तक आए, इसी पूरी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सारी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि जो हमारी शादी हुई थी उसमें बहुत मजा भी आया था हम लोग को। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी सीरीज लाने वाले हैं इस वीडियो की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन हम लोग जो है कि दिल्ली से पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां पे सारी चीजें हमारी हुई। और जब दिल्ली से हम लोग आए थे, वो वाला वीडियो आपको, पिछला वीडियो है, आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो दिल्ली से हम लोग आ गए थे अपने पुलिस स्टेशन पे, वहां पे सारे काम हुए। काम होने के बाद हम लोग जो है कि एक दिन बाद के लिए डेट फिक्स हो गया शादी का। जैसे कि हम लोग 8 तारीख को पहुंचे थे वहां पे, तो 9 तारीख के लिए शादी का डेट फिक्स हो गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे दीदी के घर, हम अपने दीदी के घर चले गए, और साथ में शिखा को भी हम अपने साथ ले गए, इसको नहीं छोड़े हम जाने के लिए। पुलिस भी इससे पूछी थी कि अपने घर जाओगे नहीं, तो क्या बोली थी तुम? नहीं, उनके साथ रहे। हमारे साथ रहने के लिए बोली कि हमारे साथ जाएगी, तो और हम भी यही बोले कि हमारे साथ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग दीदी के घर पे जाकर स्टे किए हैं एक दिन के लिए, एक रात के लिए सिर्फ। उसके बाद रात गई बात गई, उसके बाद सुबह हुआ तो जो है कि नाश्ता पानी हम लोग किए। उसके बाद घर से फोन आने लगा कि कब चलना, हम फोन करने लगे कब चलना है कब चलना है, पापा से बात हो रहा था, मम्मी से बात हो रहा था, सबसे बात हो रहा था। तो उसके बाद जो है कि बताया गया कि 12-1 बजे तक हम लोग को जाना है मंदिर पे शादी के लिए। तो क्या किए हम लोग कि फिर वेट करते करते जब 12 बजा, तब एक जीजा का जो है अपाची था, उसी से हम सीखा भी तैयार हुई, दीदी भी तैयार हुई। तो ऐसा शादी था कि वहां पे दुल्हन को हम लेकर गए थे, तो वहां पे सजी का शादी हुआ था। तो इसको लेकर हम पहुंचे वहां पे मंदिर पे, अपाची से लेकर पहुंचे से इसको, तो इसकी छोटी सिस्टर आई, इसको रिसीव की, लेकर गई मंदिर के अंदर इसको तैयार करने के लिए। और हम पहुंचे थे अपने घर के कपड़े में वहां पे, तो हमें लगा कि क्या पता पापा कपड़े लाए होंगे, तो पापा कपड़े भी नहीं लाए थे। तो वहां पे पहुंचने के बाद पापा पैसे दिए, बोले कि जाओ एक कपड़े ले लो, तो हम गए, वही कपड़े लिए थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही कपड़ा हम लिए थे और ये तुरंत में ले लिए थे। और उसी समय हम सीखा के लिए भी एक शादी का जोड़ा लिए थे, का था जो, उसमें एक पिछौड़ी था और एक शादी का वो था, लाल कलर का साड़ी था और सिंदूर, ये चीज हम इसको अपने कपड़े के साथ ही लिए थे। लेकर सब हम मंदिर पे पहुंचे, वहां पे सब इंतजार कर रहे थे, इसके घर वाले भी सब आए थे। तो उसके बाद हम लोग की शादी हुई, तब हम आए कपड़े पहन के डायरेक्ट, तो वहां पे तो पंडित जी के पास गए हम लोग। और उस समय हमारे पास तौलिया भी नहीं था, जो हम यहाँ पे तौलिया रखे हैं वो तौलिया भी नहीं था कंधे पे का, वो मेरा फ्रेंड था उसका हम लोग तौलिया लिए। अरे इतने जल्दी में हुआ था कि कोई चीज का इंतजाम ही नहीं कर पाए थे हम लोग, तो तौलिया भी अपने फ्रेंड का लिया, अभी भी वो तौलिया रखे हैं, तो वही से बांधा गया। तो उसके बाद हम लोग का शादी हुआ। तो शादी कैसे हुआ इसका वीडियो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग की शादी हुई थी। शादी को पूरा किया गया, पंडित जी मंत्र भी पढ़े थे उसमें। आप लोग को अगर सुनाई दिया वो सुनाई दिया होगा, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक भी लगाया है जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा कम सुनाई दिया होगा। और यहाँ पे जब हमारी शादी फाइनल हो गई तो हमारा जो एक घर से गाड़ी आया हमारे फोर व्हीलर, उसको और हमको शिखा को उसमें बैठा दिया गया। तो बैठाने के बाद वहां से बोला गया कि घर जा रहे हैं, लेकिन वहां से डायरेक्ट हम लोग को मुंबई के लिए भेजना था, तो इसलिए हम लोग को बनारस भेज दिया गया। और उस दिन भी हम ब्लॉग बना रहे थे, बनारस भेज दिया गया। रात को हम वहाँ पे रुके, वहाँ पे फिर भी ब्लॉग बना रहे थे, तो उस ब्लॉग को हम लोग नहीं डाल पाए थे। उसका कुछ पार्ट यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। 80 हाथ तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं गंगा घाट, 80 घाट का घाट दे सकते हो। हम लोग का बनारस में दूसरी जगह मंदिर में शादी है, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं 80 घाट। और पीछे भी आ सकते हो, इसी चीज़ का दर्शन हो रहा है। और सीता भी बहुत मासूमियत से बैठी है, किसी चीज़ को याद करे ना जी। हम क्या सोच रहे, जब पूरा खत्म हो गया 80 घाट बनारस के घूमे, फिर बनारस में आकर रूम लेकर है। जीजू नीचे हमारे हैं, दीदी भी नीचे गई हैं। हम लोग को एक फाइनली रूम मिल चुका है यहाँ पे। अब कल की फोर व्हीलर बुकिंग है, हम लोग को मुंबई जाना है। अब इसके लिए आज हम लोग होटल पे रुके हैं और घर पे अभी नहीं जा रहे हैं। मुंबई से आएंगे तब घर पे डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग होटल आ गए। इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या कहानी रहने वाली है, सारे कुछ आपको हम आगे वीडियो में बता देंगे, आने वाले वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही देते रहिएगा। और शिखा को देख लीजिए, आज साड़ी भी पहनी है, इतना दिन से नहीं पहन रही थी। हम लोग का तो सब कुछ अच्छे से हो गया है। चलिए आपको तो रात को हम लोग जो है कि ब्लॉग बनाए थे और घूमे भी थे वहाँ पे, दर्शन किए थे, जो है कि विश्वनाथ पे गए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ पे जाने के बाद फिर 80 घाट पे गए थे, हो गया था वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे भी ब्लॉग शूट किए थे कुछ, लेकिन वो ब्लॉग जो है कि काम में नहीं आता, आज काम में आ रहा है। इसमें उसका ब्लॉग का कुछ पार्ट लगाते हैं सुबह का, तो देखिएगा आप लोग। तो गाइस फाइनली रात को हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे, रुके थे इस होटल में। ये वाराणसी 80 घाट के पास आपको होटल देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम लोग रुके थे रात भर। अभी को हमारे घर से अभी फोर व्हीलर आ रहा है, उसमें हम दोनों लोग जाएंगे। जाने के बाद हम लोग को बनारस से ही दूसरी गाड़ी पकड़ा दी जाएगी, दूसरी फोर व्हीलर हम लोग की बुक है। वहाँ से अब सीधे पापा बुक कर दिए, सीधे मुंबई के लिए निकल जाएंगे। 2 दिन में मुंबई भी पहुँच जाएंगे। और एक बुरी खबर हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग को फोर व्हीलर से जाना होगा, थोड़ा भी आराम नहीं रहता फोर व्हीलर में, बैठते बैठते एकदम शरीर अकड़ जाता है पूरा। दिल्ली से आने में भी यही हाल हुआ था, रोने लगी थी रास्ते में आते आते। तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी उधर साइड, तो थोड़ा हम देखें। अब इधर से हम लोग निकलेंगे, निकलने के बाद जाना है शिखा के घर वाले आएंगे बीच रास्ते में। शिखा के घर वालों से मिलना है, इसके भैया आएंगे और इसकी छोटी सिस्टर आएंगी, इनसे मिल लेना है। और शिखा की एक फ्रेंड रहेंगी, वो तीनों लोग मिलने के लिए बोले हैं, इनसे मिल लेंगे हम लोग। ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उन लोग के सामने रिकॉर्डिंग नहीं करना है हमें अभी। उसके बाद वहाँ से होने के बाद जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा मिलेंगे उसके आगे फोर व्हीलर के पास, जहाँ पर हम लोग की फोर व्हीलर बुक हुई है वहाँ पर मम्मी पापा मिलेंगे। अंतिम विदाई वहाँ से होगा हम लोग का मुंबई जाने का, फिर उसके बाद वापस तो आना ही है। दिखाएंगे आपको ब्लॉग में सब कुछ, ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहिएगा। और साथ में क्या होने वाला है सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं हम, तो ब्लॉग जरूर बने रहिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और साथ ही बताइएगा शिखा साड़ी में कैसी लग रही है, हमको तो अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि या तो सिस्टर मानते हो सिस्टर की तरफ से बताओ, या तो हमारी तरफ से भाभी मानते हो तो बता दो। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है शिखा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ए कैसे लग रहे हैं। अरे हमको छोड़िए, इसको बताइए कहे। फिर वहां से हम लोग होटल से निकल गए। होटल से निकलने के बाद आए थे अपने मार्केट की तरफ, तो मार्केट के कुछ आगे हम लोग गए। वहाँ पे हम लोग की मुंबई आने वाली फोर व्हीलर खड़ी थी, जो कि बुआ की थी, उनको आना था, उन्हीं के साथ हम लोग चले आए थे। खाली था फोर व्हीलर, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे मम्मी पापा भैया सब आए थे मिलने हम लोग से। सब आए मिले,
हम लोग घर तो नहीं जा पाए, लेकिन घर वाले सब आए थे हम लोग से मिलने। होटल पे रुके हम लोग वहाँ पे सभी लोग से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद फिर इसके भैया भी आए थे, शिखा के भी भैया आए थे, और कौन आया था जी तुम्हारा? मेरी सिस्टर आई थी, शिखा की सिस्टर आई थी, और चाची की लड़की, चाची की भी लड़की आई थी इनकी मिलने के लिए। तो हम लोग मिले जुले, हम लोग भी अपने, हम भी अपने परिवार से मिले, ये भी मिली। उसके बाद वहां से हम लोग रवाना हुए मुंबई के लिए। दो दिन तक हम लोग फोर व्हीलर में बैठे रहे, थक जाते थे, तो कभी फूफा चलाते थे गाड़ी, कभी हम चलाते थे, कभी फूफा चलाते थे, कभी हम चलाते थे, ऐसे अल्टरनेट करते 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 हम लोग मुंबई पहुंचे। दो दिन में पहुंचे थे मुंबई। थक जाते थे बीच में, होटल पे कुछ टाइम के लिए रुकते थे। जब ये चलाते थे तो हम देखते थे, हाँ जब हम चलाते थे तो ये पीछे से देखती थी कि कैसे चला रहे हैं, कि तेज तो नहीं चला। जब तेज चलाते थे तो हाथ पीछे से रुकती थी, धीरे से बोल के। और तब ऐसे में क्योंकि हम चलाते थे तो फूफा जो थे वो सो जाते थे, उसके बाद जब फूफा चलाते थे तो हम भी पीछे बैठ जाते थे, नींद लगता था, सो जाते थे। ऐसे अल्टरनेट करते हुए हम लोग मुंबई तक पहुंचे थे 2 दिन में। उसके बाद फूफा के घर पे रुके, वहां पे उनका, उनके घर पे जो रुके तो उसका वीडियो हमने बनाया था, आप लोग को दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसमें कि हमने दिखाया कि हमारी शादी हो गई है, और साथ में दिखाया है कि टूटे हुए घर पे आए, वही वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग वहां से होने के बाद फिर दीदी के घर पे यहाँ पे चले आए, यहाँ पे रुके। इसके बाद भी हमको अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ सामान लेके रुके हैं, फिर इसके बाद भी हम लोग को हटना है यहाँ से। आप लोग देखते रहिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक किए रहिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाए रहिएगा, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कि हम लोग कहाँ हैं, सारे अपडेट आपको देते रहेंगे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, जहां पर कि सिर्फ हम मैसेज करेंगे, पोस्ट हम अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए पोस्ट को रोके हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ या फिर लाइव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।